हेलो हेलो सर, तो कहाँ हो? मार्केट में हूँ। अच्छा सुनो, हम अभी मिल रहे हो क्या? मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलना है तुमसे, ठीक है? ओके, मैं आता हूँ। बाय बाय बाय। सार्थक किधर है यार? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। यार मैं बाइक चला रहा हूँ, कैसे फोन उठाऊँ? मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आना। बस एक मिनट। सॉरी यार। अरे सॉरी बोला ना, ट्रैफिक था यार। यार सॉरी बोला ना। लीव मी। अरे ए सुन, तेरा है ना हमेशा का है, हमेशा मुझे ही वेट करना पड़ता है। अरे यार ट्रैफिक था यार, अभी मैं क्या बाइक उड़ा के लेके आऊं? मैं क्या रोहित शेट्टी हो यार? जोक था? तू हंसी ना, सच बोला। मेरे जोक ना ऑस्कर लेवल में जाते हैं। तेरा ना ये मजाक है ना, जरा कम कर। सुन ना, क्यों बोला है? तुझे पता है ना डैड आने वाले हैं, तो तेरा क्या तय हुआ है? मिलने वाला है ना उनसे? तू ये बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? सच में? फोन पे नहीं बता सकती? तो ठीक है ना। क्या यार? अरे ये बात बताने के लिए मुझे यहाँ इतना अर्जेंट बुलाया? तू समझना यार। क्या समझू? 4 साल हो गए हमें साथ में, मुझे घर में पूछते हैं, तुझे तो पता है ना, डैड को एक जॉब करने वाला लड़का चाहिए, और उससे भी इम्पोर्टेंट, वो बैंकर होना चाहिए। यार मैंने तुझे कहा है आई एम स्ट्रगलर फोटोग्राफर, और मैं झूठ नहीं बोलता, प्लीज। सार्थक एक बार झूठ बोलने में क्या हो रहा है? अरे यार तू समझती क्यों नहीं? बेबी मैं डैड को मना लूंगी, प्लीज प्लीज। नहीं यार मुझसे नहीं होगा, प्लीज। तू समझती क्यों नहीं? एक बार झूठ मेरे लिए। ठीक है मैं मिलता हूँ। खा मेरी कसम। अरे आप बोला ना यार, आऊंगा। लव यू सार्थक। लव यू टू। आप खुश? काजू बेटा, आपका सार्थक कब आएगा? फ्लाइट है मेरी, लेट हो रहा है। डैड जस्ट आता ही होगा, ऑन द वे है। डैड आ गया। हाय। हाय सर। हाय, कम। हेलो, कम प्लीज सिट। थैंक यू सर, आई एम सार्थक। हाय, बहुत दिनों से आपसे मिलना था, बहुत तारीफ सुने आपकी। नाइस चॉइस बेटा। थैंक यू डैड। सो सार्थक, अपने बारे में कुछ बताओ, अपनी फैमिली के बारे में बताओ। अभी मैं मॉम के साथ रहता हूँ, मैं और मॉम हम दोनों ही रहते हैं। डैड गुजर के 4 साल हो गए। ओह सॉरी। हम यहाँ ही रहते हैं, दो बिल्डिंग छोड़ के पास में। अच्छा, गुड गुड। और जॉब कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है सर। सो विच बैंक? एक्सिस। HDFC। एक्सिस? HDFC? नो एक्चुअली आई मीन सर, मैं पहले एक्सिस में था, नाउ आई एम करंटली वर्किंग इन HDFC। ओह या। फिलहाल मैं लोन डिपार्टमेंट में हूँ, सैलरी 40K है, बट आगे ग्रो हो जाएगी सर। ओह ओके। सैलरी डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स कि आप दोनों एक दूसरे को समझते हो और एक दूसरे को पसंद करते हो, है ना? या डैड, मेरे लिए ये मायने रखता है, और आफ्टर ऑल यू आर बैंकर एंड दैट मैटर्स। सार्थक बेटा, मेरी बेटी खुश तो मैं खुश, मेरी तरफ से आप दोनों को ग्रीन सिग्नल है। डैड आई लव यू। डैड लव यू बेटा। मैं नेक्स्ट मंथ वापस आऊंगा, फिर आप दोनों की एंगेजमेंट कराते हैं, फिर आपकी मॉम से मिलकर शादी की सारी चीजें भी फाइनल करनी है, ठीक है? ओके सर,
जैसे आप सही समझे। सर मुझे एक्चुअली अभी निकलना है, एक्चुअली मेरी क्लाइंट मीटिंग है, सो मुझे थोड़ा निकलना पड़ेगा सर। ओह कोई नहीं, जॉब फर्स्ट, हाँ मेरी फ्लाइट है, चलो फिर जल्द मिलते हैं। थैंक यू सर, एनीवे नाइस टू मीट यू सर। माय प्लेजर है सार्थक, आई लाइक यू। यू नो फर्स्ट मीटिंग में आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में, अपनी सैलरी के बारे में सब कुछ सच बताया, अच्छा लगा। यू नो सच बोलने वाले लोग मुझे बहुत पसंद हैं। ओके सार्थक, बाय। सर मुझे भी आपसे कुछ सच बोलना है। सार्थक नहीं रुको काजल, मुझे बोलने दो। बोलो सार्थक। सर मैंने अभी जो भी कहा वो सब झूठ था। आई एम नॉट अ बैंकर, आई एम अ स्ट्रगलर फोटोग्राफर, मैं एक फोटोग्राफर हूँ। काजल ने मुझे झूठ बोलने कहा था क्योंकि आपको आपके लड़की के लिए एक बैंकर्स लड़का चाहिए था, सो इसके लिए ये सब झूठ बोलना पड़ा। काजल आई एम सॉरी काजल, तू ही बोलती थी ना कि मैं सीरियस नहीं हूँ, बट आई एम वेरी सीरियस विथ माई जॉब एंड माई करियर, और मैं इसके लिए ये सब चीज़ नहीं छोड़ सकता। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैं निकलता हूँ सर। डैड डैड आई एम सॉरी डैड। काजू बेटा डैड आई एम सॉरी डैड। नहीं बेटा सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए बेटा, मैंने आपको फोर्स किया, मैंने आपको मजबूर किया झूठ बोलने के लिए बेटा, मैं भी क्या करता, एक बाप हूं ना बेटा, इस दुनिया में अपनेपन की, प्यार करने वाले की कदर नहीं है बेटा, इस मैटरलिस्टिक दुनिया में पैसे की महत्ता को देखकर मैंने ऐसा कहा था बेटा, मैं भी बाप होने के नाते चाहता था कि मेरी बेटी सेटल्ड रहे, इसलिए मैं चाहता था कि होने वाला दामाद एक बैंकर हो, वेल सेटल्ड हो बेटा, मैं भी उसी उधेड़बुन में फंस गया था बेटा, बट एक सच बात बोलूं, नाउ आई एम इनलाइटेड। मतलब डैड आपको सार्थक से ज्यादा प्यार करने वाला और सच बोलने वाला लड़का नहीं मिलेगा, तुम सार्थक को रोक लो बेटा, उससे अच्छा लड़का तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकता, बताओ उसे कि डैड मान चुके हैं। हाँ बेटा डैड, रियली डैड आई लव यू डैड, लव यू बेटा। सॉरी काजू, मैं झूठ नहीं बोल पाया, मैं तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना, तुम्हारा जो कुछ भी डिसीजन होगा वो मुझे मंजूर होगा, पर इसमें एक बात सच है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई नो, मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाई, आई एम सॉरी, तुम्हारे एक सच की वजह से हमारा प्यार जीत गया। मतलब डैड ने हमारे प्यार को ग्रीन सिग्नल दिया है। सच में?